अब इसके बाद हम बात करें स्थलाकृतियों के अंदर, एक लैंड की हमने चर्चा कर ली कि लैंड में भूमि किस प्रकार की है, क्या वो पर्वतीय भूमि है, क्या पठारी भूमि है, मरुस्थली भूमि है मतलब रेतीली भूमि है, या कोई दलदली भूमि है। अब रिलीफ उच्चावच या हम टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद इसी के अंतर्गत दूसरा इसका फैक्टर आता है सॉइल या मिट्टी। मिट्टी भी जो है वो वनस्पतियों को महत्वपूर्ण से प्रभावित करती है, क्योंकि अलग अलग जो मिट्टियाँ हैं, मिट्टियों के जो प्रकार होते हैं, उसमें विविध तरह की जो वनस्पतियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे हम कपास की बात कर लें, हालांकि हम ये देखते हैं कि वनस्पति को हम उगा रहे हैं, कृषिगत फसल के अंतर्गत ही आ जा रहा है, लेकिन बताने का मतलब ये है कि जैसे हमने कैक्टस की ही बात की थी, तो वो क्या है, मरुस्थली क्षेत्र में, मरुस्थल जो है वो एक रिलीफ के अंतर्गत आ गया, लैंड के अंतर्गत आ गया, लेकिन वहाँ पर उस लैंड में जो उसका ऊपरी सरफेस है जिसे हम सॉइल कह रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार के मुख्य रूप से चट्टानी जो टुकड़े होते हैं और उसमें जो डिपॉजिट्स जो मिले होते हैं, अवसाद जो जमा होते हैं, इन सब का मिश्रित रूप जिसे हम मृदा कह रहे हैं, मिट्टी कह रहे हैं, तो वहाँ पर मिट्टी लैंड की जब हमने बात की तो वो तो मरुस्थली भूमि हो गई, रेगिस्तानी भूमि हो गई, लेकिन उस रेगिस्तानी भूमि में, मरुस्थली क्षेत्र में मिट्टी किस प्रकार की मिल रही है, रेतीली मिट्टी। तो दोनों ही चीज़ों से वहाँ पर जो मिलने वाली कटीली झाड़ियाँ हैं वो प्रभावित हो रही हैं, एक तो लैंड भी और उस लैंड में मिलने वाली मिट्टी जो रेतीली मिट्टी मिल रही है। और ठीक उसी प्रकार हम जब दलदली क्षेत्र की बात कर रहे हैं या डेल्टाई क्षेत्र की बात कर रहे हैं, रिलीफ हो गया कौन सा, डेल्टाई भूभाग, लेकिन वहाँ पर मिलने वाली जो मिट्टी होगी वो पीट या दलदली मिट्टी होती है, तो जो वो मैंग्रोव वनस्पतियाँ मिल रही हैं वो उस पीट और दलदली मिट्टी वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। सरफेस हो गया डेल्टाई भूभाग, और उसमें जो उसके ऊपरी क्षेत्र में मिल रही है, ऊपरी सरफेस में जो मृदा का विस्तार है वो पीट या दलदली मृदा है, जो आपके हर डेल्टाई भूभाग में मिलेगा। और वहाँ पर वनस्पतियाँ किस प्रकार की पाई जाती हैं, मैंग्रोव टाइप की। अब जब हम पर्वतीय भूभाग में चले जाएं, लैंड क्या हो गया, पर्वतीय हो गया, लेकिन उस पर्वतीय भूभाग में मिट्टियाँ किस प्रकार की मिलती हैं, पर्वतीय मिट्टियाँ। तो इस पर्वतीय मिट्टी में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें अल्पाइन टाइप की वनस्पतियाँ जो हैं वो उगती हुई मिलती हैं। तो रिलीफ में भी लैंड हम कहें या लैंड के साथ साथ जब हम मिट्टियों की बात करते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मिलने वाली वनस्पतियों को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। अब इसके बाद हम देखें प्रकाश की अवधि, मतलब सूर्य से मिलने वाला या सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ये भी वनस्पति को प्रभावित करता है। तो ये फैक्टर आ गया आपके क्लाइमेट या जलवायु, जो जलवायु वहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रकाश के मिलने की अवधि और प्रकाश की मात्रा, मतलब कितनी अवधि तक प्रकाश जो है वो सूर्य का प्रकाश वहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में मिल रहा है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्रकाश की कितनी मात्रा वहाँ पर पहुँच रही है। तो इस पर भी जो है वो वनस्पतियों वनस्पति की जो विविधता है वो डिपेंड करती है। जैसे कि हम देखेंगे इक्वेटर में हम चले जाएं, भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र में, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सूर्य की किरण जो है वो एकदम सीधी पड़ती है, सीधी पड़ रही है मतलब बहुत अधिक मात्रा में भी मिलती है, क्योंकि सीधी पड़ने के कारण या सीधा मार्ग तय करने के कारण बहुत कम दूरी जो है वो सूर्य के प्रकाश को तय करनी पड़ती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, तो वहाँ पर प्रकाश की बहुत अधिक मात्रा जो है वो पहुँच पाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अधिक प्रकाश के मिलने के कारण जैसे ही आप भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्र में चले जाते हैं, तो आपको बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियाँ जो हैं, वनस्पतियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी होती है वनस्पति की, मतलब हर स्तर पर जो है वो आपको वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। एक तो आसमान को छूती हुई इतनी ऊंची, इतने ऊंचे वृक्ष भी देखने को मिलेंगे, और इन वृक्षों पर जो
लटकी हुई लताएं हैं और इसके साथ ही साथ छोटी छोटी झाड़ियां ये भी आपको देखने को मिलेंगी। और वो कारण ये होता है कि यहाँ पर मिलने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उनमें एक कंपटीशन चलता है, हम कहें प्रतियोगिता होती है, और होड़ ये लगी होती है कि वो प्रकाश की प्रकाश पाने के लिए अपनी ऊंचाई को बढ़ाते जाते हैं या ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो जिस कारण से हमें यहाँ पर एक अलग अलग स्तर देखने को मिलता है वनस्पतियों का। तो ये हो गई आपकी बात भूमध्य रेखी क्षेत्र की, जहाँ पर प्रकाश की किरणें सीधी पड़ रही हैं और साथ ही साथ उसकी मात्रा भी जो है वो अधिक मिल रही है। लेकिन अगर हम उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ उच्च अक्षांशों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ पर प्रकाश की बहुत कम मात्रा जो है वो मिल पाती है और साथ ही साथ सूर्य की किरणें भी जो हैं वो बहुत ही तिरछी होती जाती हैं। तो सूर्य की तिरछी किरणें और साथ ही साथ प्रकाश के मिलने की अवधि भी कम हो जाती है और मात्रा भी कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर आपको पेड़ पौधे वृक्ष इस रूप में ये वनस्पतियाँ देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं वो आपके शैवाल, कवक या फर्न, इस टाइप की वनस्पतियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश की मात्रा भी उतनी नहीं पहुँच पाती, बहुत कम समय के लिए प्रकाश पहुँच पाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो वो है वर्षा या प्रेसिपिटेशन। तो ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे हमने प्रकाश के मिलने की अवधि और प्रकाश की मात्रा की चर्चा की थी, तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वर्षा की मात्रा। जैसे आप अपने घरों में भी देखते होंगे, आपने घर में अपने गमले में एक पौधा लगाया और अगर उस पौधे में प्रॉपर सूर्य का प्रकाश जो है वो मिल पा रहा है और आप उसमें पानी भी डाल रहे हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है वो पौधा। तो वैसे ही जब हम नेचुरल वेजिटेशन की भी बात करते हैं या वनस्पतियों की चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे कि जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण, बहुत ज़्यादा वर्षा, तो वहाँ पर बहुत ऊँचे ऊँचे वृक्ष जो हैं वो मिलते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी भूमध्य रेखी क्षेत्र की, फिर हम चले जाएं इस भूमध्य रेखी क्षेत्र में अमेजान बेसिन में, कांगो बेसिन में, तो ये एक ऐसे क्षेत्र हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र के जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और साथ ही साथ बारिश भी बहुत अधिक होती है। इस कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना वनस्पति आच्छादन देखने को मिलता है, मतलब बहुत घनी घनी वनस्पतियाँ, बहुत ऊँचे ऊँचे वनस्पतियों से लेकर छोटी छोटी झाड़ियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं और इन झाड़ियों और वृक्षों में जो झाड़ियाँ और वृक्ष होते हैं वो लताओं से लदी हुई होती हैं। मतलब मनुष्य का जाना तो बहुत दूर की बात होती है, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो भी पूरी तरह से धरातल तक नहीं पहुँच पाता, इतना घना वनस्पति आच्छादन होता है इस क्षेत्र में। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम इस अमेजान बेसिन या कांगो बेसिन वाले क्षेत्र में जाएं। तो ये किस कारण से है? बहुत ज़्यादा वर्षा की मात्रा, प्रकाश की मात्रा और प्रकाश के मिलने की अवधि, ये तीनों ही फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। अब जब हम वर्षा की चर्चा कर रहे हैं, वर्षा की मात्रा कैसे प्रभावित करती है, तो आप देखेंगे कि जो व्यापारिक पौनों वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब हम चले जाएं शून्य से पाँच से दस डिग्री तक, तो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो गया, जहाँ पर ये आपके अमेजान बेसिन, कांगो बेसिन वाले क्षेत्र आते हैं, जहाँ पर इतना सदाबहार वनस्पतियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन हम ऊपर की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ, चाहे वो उत्तर में या दक्षिण में आए, तो हम देखते हैं कि लगभग 5-10 डिग्री से लेकर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच जहाँ पर व्यापारिक पौने प्रमुख रूप से चल रही हैं, तो इन क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं, इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि व्यापारिक पौनों के प्रभाव से जो महाद्वीप के पूर्वी हिस्से होते हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और जैसे जैसे ये महाद्वीप के मध्य भाग में आते हैं तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है
और ऐसे ही जब हम पछुआ हवाओं के क्षेत्र में चले जाएं, तो हम देखेंगे कि वहां पर महाद्वीपों के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और जैसे जैसे हम मध्य क्षेत्र की तरफ बढ़ते जाते हैं तो बारिश की मात्रा, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो मतलब ये है कि जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होगी वहाँ पर बहुत घना वनस्पति आच्छादन मिलेगा, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष मिलेंगे और घने वृक्ष मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है तो झाड़ियाँ, और झाड़ियों के बाद फिर, और जब हम कहें कि वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, तो हमें घास के मैदान जो हैं वो देखने को मिलते हैं, मतलब वृक्षों की ऊंचाई और उसकी सघनता भी जो है वो कम होती जाती है। तो वर्षा भी जो है वो वनस्पति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। बच्चों, हम प्राकृतिक वनस्पति पर चर्चा कर रहे हैं, और हम क्यों बात करें कि ये कहाँ पर कितनी मात्रा में और किस किस प्रकार की मिलती है, या वनस्पति समुदाय हो या जैव समुदाय, ये हमारे पारिस्थितिकी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो वनस्पति समुदाय है ये मनुष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, या हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाने में इसकी एक अहम भूमिका होती है। क्यों? तो हम इसके लाभ पर चर्चा कर लेते हैं कि इन वनस्पति समुदाय से या प्राकृतिक वनस्पति से क्या क्या फायदे होते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि आप जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं वो देखते ही होंगे कि वनों से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं वो ईंधन के रूप में प्रयोग होती हैं। जो बहुत सारे कृषि औजार हैं उसमें भी वनों से प्राप्त लकड़ियों का प्रयोग होता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो सबसे इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ये जो वन क्षेत्र होते हैं CO2 की मात्रा को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं, और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो भाई जीने के लिए तो हमको सांस लेना बहुत आवश्यक है, और अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम श्वास कैसे लेंगे स्वच्छ हवा में, और जब तक हम श्वास नहीं लेंगे तब तक हम जीवित कैसे रह सकते हैं। तो हमारे जीवन के लिए एक जो अनिवार्य आवश्यकता हमारा श्वास लेना है, जो हमें इस वनस्पति समुदाय या पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार दूसरी चीज़ जो हम बात करते हैं, हमारे जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व जल, बोलते हैं ना जल ही जीवन है, जैसे हम बिना श्वास के जीवित नहीं रह सकते, अगर हमने श्वास लेना बंद कर दिया तो मतलब हमारा जीवन खत्म हो गया, ठीक उसी प्रकार जल भी जो है वो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। और इन पेड़ पौधों या वनस्पतियों की जब हम बात करें तो हम देखेंगे कि इनकी एक अहम भूमिका होती है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये तापमान को तो अवशोषित करते ही हैं, और साथ ही साथ जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, और उतना ही ज़्यादा हम कहेंगे कि वो जल चक्र को बनाए रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा बारिश होगी। हम ये जो मानसून की अनिश्चितता की बात करते हैं तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन वृक्षों की है, और हम ये देखते हैं कि लगातार हम नगरीकरण के लिए या औद्योगीकरण के लिए, हम इसे विकास कह रहे हैं कि लगातार हम सड़कों का डामरीकरण करते जा रहे हैं, उसके लिए परिवहन के विकास के लिए हम पूरे वनस्पतियों को काट रहे हैं, औद्योगीकरण के लिए हम जितने भी वनस्पति क्षेत्र हैं उन्हें काट रहे हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, और उनके भोजन के लिए कृषि अनिवार्य है, और उस कृषि भूमि के लिए भी हम इन वन क्षेत्रों का विनाश कर रहे हैं, उद्योग धंधों के लिए हम इन वन क्षेत्रों का विनाश कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन वन क्षेत्रों के इतना अत्यधिक दोहन के कारण ये जल चक्र जो है वो असंतुलित हो गया है, और वर्षा जो है
ये इसकी अनियमितता का एक प्रमुख कारण हम कह सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए, पौधे लगाइए और बारिश को, वर्षा को आमंत्रित कीजिए। तो दो चीज़ें हमने देखी कि ऑक्सीजन और जल, ये दोनों के लिए तो वृक्ष की भूमिका है ही, वनस्पतियों की भूमिका है ही। इसके बाद हम देखते हैं कि इन वन क्षेत्रों में बहुत सारे जो जैव समुदाय हैं, जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनका निवास होता है। कल्पना कीजिए कि जिस घर में, जिस छत के नीचे आप रहते हैं, अगर हम उस घर को तोड़ दें, उस छत को हटा दें, तो फिर आपके आवास को नष्ट कर दें, तो आप कहाँ रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा घर जो है, हमारे घर जिस छत के नीचे हम रहते हैं वो हमारा आवास है, और रात दिन भर तो हम कार्य के लिए बाहर रह सकते हैं, लेकिन रात में एक सुकून की नींद लेने के लिए हमें अपने हम अपने घर पहुंचते ही हैं। तो ठीक उसी प्रकार बहुत सारे जो जंतु हैं, पक्षी पशु पक्षी हैं, उन सबका आवास होता है, हैबिटेट होता है ये वन क्षेत्र जो हैं। और लगातार हम इन वन क्षेत्रों का दोहन कर रहे हैं या शोषण कर रहे हैं, काट रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, जिसके कारण इन पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का आवास जो है वो नष्ट होते जा रहा है, या हम कहें कि हम उन जीव समुदाय के आवास को नष्ट करते जा रहे हैं। तो जब हम उनके घर को ही तोड़ देंगे, नाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे, आवास को नष्ट कर देते हैं, तो फिर वो जाएंगे कहाँ, उनका घर तो नष्ट हो गया। तो इसीलिए इससे एक महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो रही है कि इन बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं या जीव जंतु जो हैं वो लुप्त प्राय हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका आवास जो है वो हम नष्ट करते जा रहे हैं। तो विलुप्त प्रजातियों की बढ़ती हुई संख्या जो है, ये आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण समस्या है, और उसका कारण यही है जो हम वन का विनाश कर रहे हैं, आवास को नष्ट कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आवास को नष्ट कर रहे हैं या वन विनाश से जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन की समस्या उत्पन्न हो रही है, ये भी उसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो जब हमने देखा ये आवास प्रदान करते हैं हमारे लिए, CO2 की मात्रा को नियंत्रित करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा जल चक्र के लिए एक अनिवार्य जो है वनों की उपस्थिति है। इसके साथ ही साथ एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जैव भू रासायनिक चक्र होता है, उसे भी नियंत्रित किया जाता है वनों के द्वारा। और चाहे हम बात करें घरेलू ईंधन के रूप में या कृषि औजारों के रूप में, तो हमें इनसे लकड़ियाँ तो प्राप्त होती ही हैं, और ये वन जो है या वनस्पति जो क्षेत्र होते हैं, ये हमें पता है कि एक बहुमूल्य औषधि, बहुत सारे जो वनस्पतियां हैं वो एक बहुमूल्य औषधि का काम करती हैं। तो हमें औषधि प्रदान करती है, विभिन्न प्रकार के फल फूल अनाज ये सब हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो हम विकास की बात करते हैं या औद्योगीकरण की बात करते हैं, तो इसके लिए भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो उद्योग हैं जो वन पर आधारित होते हैं, उनके लिए कच्चा माल भी जो है वो इन वनों से ही प्राप्त होता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप अपनी पढ़ाई में जिस पेंसिल का प्रयोग करते हैं, जिस रबड़ का प्रयोग करते हैं, या जिस कॉपी पे आप लिखते हैं, और वो बुक जिस पे आपकी पुस्तक का वो अध्याय जिस कागज पर वो छपा हुआ है, ये सभी कागज, रबड़ या पेंसिल जो है, उनके लिए कच्चा माल जो है वो आपको वनों से ही प्राप्त होता है। तो वन जो है वो हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है, और अगर हम इस पर अभी ध्यान नहीं देते हैं कि हम इसे नष्ट करते जाएंगे, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गई बात वनों के लाभ की, या वनस्पति वन क्षेत्र से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अब हम देखते हैं कि
हमने देखा कि इन वनस्पतियों को, या हम जो फ्लोरा या फौना की हमने बात की थी, वनस्पति समुदाय और जंतु समुदाय, इन दोनों को हमने देखा था कि बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो प्रभावित करते हैं। जैसे रिलीफ है, मतलब उच्चावच है, स्थलाकृति, फिनलैंड भूमि, वहाँ की सॉइल है, मिट्टी प्रभावित करती है, जलवायु प्रभावित करती है, प्रकाश के मिलने की अवधि और प्रकाश की मात्रा प्रभावित करती है, और इन सभी कारकों से प्रभावित होकर हम देखते हैं कि हमारे भारत जैसे एक विशाल आकृति वाले देश में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और अलग अलग जंतु समुदाय जो हैं वो इस भारत के अलग अलग हिस्से में हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई ठीक है, इतनी सारी विभिन्नता हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसमें भी हम देखेंगे कि कुछ तो जो है वो इक्वल होगा, समान होगा। जैसे मान लो कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर एक समान जो है वो वनस्पति या जीव समुदाय देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर जो है, उनके लक्षणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, और इसके साथ ही साथ वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत में जो वनस्पति के प्रकार हैं वो 5 प्रकार में इसे विभाजित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय कटिले वन तथा झाड़ियाँ, चौथा पर्वतीय वन, और पांचवा है मैंग्रोव वन। ये कुछ लक्षणों के आधार पर और वर्षा की मात्रा के आधार पर ये विभाजन किया गया है। तो इन पांचों प्रकार की वनस्पतियों पर हम एक एक करके विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। बच्चों, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़े क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में वनों के प्रकार का वर्णन कीजिए, या फिर छोटे प्रश्न के रूप में आपसे ये पूछा जा सकता है। आगे हम और डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो आप उसे बहुत ध्यान से सुने। जैसे छोटे प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि मानसूनी वन किस प्रकार के वन को कहा जाता है, या पतझड़ वन किस वन का दूसरा नाम है, या फिर उनमें वर्षा की मात्रा के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे किस प्रकार के वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, या 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले कौन से वन हैं, या ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। और हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ वृक्षों के या जंतुओं के नाम भी देकर ये पूछा जा सकता है, जैसे कि लेमूर किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, या रोजवुड या सैंडल किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, कैक्टस किस प्रकार के वन की विशेषता है, कुछ इस प्रकार से। मतलब जितनी भी विशेषताएं हम आगे पढ़ेंगे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और दूसरी चीज, मानचित्र पर बहुत जो है ध्यान केंद्रित रखना है आपको। मानचित्र के माध्यम से आपको पढ़ना है तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो दीर्घोत्तरी प्रकार का यदि आपसे इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, तो आपको उसकी हर विशेषताओं को पॉइंट टू पॉइंट तो लिखना ही है, और साथ ही साथ मानचित्र बनाना अनिवार्य है आपके लिए। और उस मानचित्र में, भारत के मानचित्र में, आपको इस अलग अलग प्रकार के वनों को शो करना है, दिखाना है। अब इसके बाद आपसे जो लघुत्तरी टाइप के प्रश्न या कुछ छोटे प्रश्न, जैसे 2 नंबर के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी जो ये 5 प्रकार के वनों के प्रकार मैंने बताए, उसमें से कोई एक वन के प्रकार, उसकी 2 विशेषताएं, जैसे कि पर्णपाती वन की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, पर्वतीय वन की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या ऐसे ही 5 प्रकार के वनों में कुछ, या एक जैसे मैंग्रोव वन है उसमें क्या विशेषता पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से। तो आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, आपको इन वनों की विशेषताओं को बहुत ध्यान से पढ़ना है और मानचित्र पर उसे ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में वो पिक्चर बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए और आपको रटना ना पड़े।
चलिए, मैंने आपको पहले से ही हिंट कर दिया कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप आगे जो है बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब हम इन जो पांचों प्रकार के वन हैं उसमें एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बच्चों, दो जो है वो मुख्य टर्म्स आ रहे हैं, पहला ट्रॉपिकल कहा मैंने और दूसरा सदाबहार या एवरग्रीन और उष्णकटिबंधीय। तो इस पृथ्वी पर आप देख पा रहे होंगे इस ग्लोब में कि ये ग्लोब जो है इसमें हम जब इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाते हैं ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी, तो हम देखते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को हम ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर कि सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, लंबवत चलती हैं, या मैं कहूँ कि सूर्य की जो यात्रा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये तो हो गया ट्रॉपिकल। अब दूसरा टर्म्स मैंने कहा एवरग्रीन या सदाबहार, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल का मतलब हो गया कि उष्णकटिबंध है जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है, और एवरग्रीन या सदाबहार कैसे रहेगा भाई, मतलब इस वन में जो वृक्ष हैं वो अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते होंगे, मतलब साल भर वो हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन कह रहे हैं ना, वर्ष भर हरी भरी पत्तियाँ इसमें रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी पर्याप्त प्राप्त होती होगी, तो इसीलिए ये फॉरेस्ट या वन जो है वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो मानचित्र में आप देखकर बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लीजिए कि इस क्षेत्र के बीच में ही या इन अक्षांशों के बीच ही हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो मिलेंगे। और ये कैसे वन होंगे, जो हमेशा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, और किन क्षेत्रों में मिलेंगे, जहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है वो बहुत अधिक होती है। तो आइए हम इसमें कुछ चर्चा कर लेते हैं, या मैं ये कहूँ कि जब आप इसके आंसर लिखेंगे तो आपको टू द पॉइंट लिखना है। जैसे कि ये तो हमने देख लिया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है, अब इनकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं एक एक करके। तो विशेषताओं में भी सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्षा या रेनफॉल। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो मिलेंगे, वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक। और यहाँ पर शुष्क ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, होती भी है तो बहुत थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पर इसकी और दूसरी विशेषता क्या होती है कि यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो एक साथ ही अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, मतलब कुछ समय के लिए कुछ पत्तियाँ गिरी और तब तक दूसरे जो वृक्ष होंगे उनमें नई कोपले आ जाती हैं या नई पत्तियाँ आ जाती हैं। तो एक साथ ही ये वृक्ष अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, इसलिए हमेशा वर्ष भर जो हैं वो हरे भरे होते हैं। अब दूसरी विशेषता हम इसकी देखते हैं, वृक्षों की ऊँचाई। बच्चों, इस वन में वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो 60 मीटर तक होती है या उससे भी अधिक होती है, 60 मीटर या उससे भी अधिक, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मतलब बहुत सघन वन होते हैं, और यहाँ पर वृक्षों की ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है। या पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इतनी सघनता होती है और इतनी अधिक वृक्षों की ऊंचाई होती है कि सूर्य का प्रकाश पाने के लिए वृक्षों में होड़ लगी होती है, मतलब यदि आप और हम जाएं तो शायद उन इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम प्रवेश ना कर पाएं, इतना मुश्किल होता है, क्योंकि लंबे लंबे जो हैं वो वृक्ष होती हैं इसमें, लंबे लंबे वृक्ष तो मैं कह रही हूँ, इसके साथ ही एक बात आपको और जानना है, भी मैंने कही कि सूर्य का प्रकाश पाने के लिए भी वृक्षों में होड़ लगी होती है, तो इसमें वृक्षों का एक स्तरीकरण जो है वो देखने को मिलता है, मतलब हर प्रकार के वृक्ष जो है वो मिलते हैं। और आप इस पिक्चर से बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार के स्तरीकरण की मैं बात कर रही हूँ, मतलब कुछ छोटे वृक्ष, कुछ उससे ऊँचे, और कुछ जो हैं वो बहुत ऊँचे वृक्ष आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक लेयर्स में जो है
यहाँ पर वृक्षों की स्थिति देखने को मिलती है। और इन वृक्षों के ऊपर लदी हुई लताएं या जो बेल जिसे हम कहते हैं वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, जो पूरी तरह से इस वृक्ष के आवरण को ढक देती हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता, इतनी सघनता यहाँ के वृक्षों में होती है। तो हम देख रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसके कारण 60 मीटर से या उससे भी अधिक वृक्षों की ऊंचाई होती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर चूंकि उष्णकटिबंधीय ना ट्रॉपिकल जोन है, तो वर्ष भर गर्म क्षेत्र होता है और बारिश अधिक होने के कारण आर्द्र क्षेत्र भी होता है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो गर्म और आर्द्र क्षेत्र है, आर्द्र क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर हमने स्तरीकरण तो देखा ही, अब इसी कारण से हम देखते हैं कि यहाँ पर वृक्ष जो है एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, इसलिए ये हमेशा हरे भरे हैं। यहाँ के जो वृक्षों की और विशेषताएं देखें तो यहाँ पर जो वृक्ष में लकड़ियाँ मिलती हैं वो बहुत कठोर होती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अत्यधिक सघनता के कारण हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से इनका महत्व जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर इन वनों में प्रवेश ही नहीं किया जा सकता, तो आप लकड़ियों को काट कर कैसे लाएंगे, क्योंकि इतने सघन वृक्ष होते हैं। तो बहुत बहुमूल्य या व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वृक्ष होने के बाद भी जो है वो इन वनों का दोहन करना आसान नहीं होता, इसलिए ये आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वहीन है। ये एक जैव विविधता का हम क्षेत्र कह सकते हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब इसमें बहुत सारे प्रकार के वृक्ष झाड़ियाँ मतलब वनस्पतियाँ तो मिलती ही हैं। पादप समुदाय के साथ साथ हम देखेंगे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो जंतु समुदाय हैं, चाहे वो हम पक्षियों की बात करें या जीव जंतुओं की बात करें, वो भी यहाँ हमें तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं, इसलिए ये एक जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद वृक्ष जो हैं वो व्यापारिक महत्व के कौन कौन से वृक्ष जो हैं यहाँ पर बहुलता से देखने को मिलते हैं, मतलब हमको जनरली जो है वो अगर हम इस वन क्षेत्र में चले जाएँ तो जो हमें नज़र आ जाएंगे उनमें हैं, आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ये यहाँ पर मिलने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। अब जब हम जानवरों की बात करें तो देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से जो यहाँ पर मिलते हैं वो हैं हाथी, बंदर, लेमूर, एक सिंग वाले गैंडे, और एक सिंग वाले ये जो गैंडे हैं ये आपके असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त ये यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी या रेप्टाइल्स हम कह सकते हैं जो रेंगने वाले जीव है, और मैमल्स जैसे कि चमगादड़ है, और बहुत सारी जैसे छिपकली इस टाइप की जो रेंगने वाले या जिनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, इस प्रकार के जो जीव हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों अगर आपसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पूछा जाए तो इन पॉइंट्स पे ही आपको उत्तर देना है।